हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीहू सक्सेना ऑलराउंडर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मैं हूँ प्रीति एंड पीहू। और आज जल्दी में थोड़ा जाना पड़ रहा है, तो आपको भी ले चलेंगे साथ में। मेरे साथ में नंबर की नंद हैं, तो वहाँ चल रहे हैं और ट्रेन से सफ़र है और सफ़र करेंगे। और मैं जा रही हूँ, बाबू जा रहे हैं और पीयूष जा रहा है। मतलब इमरजेंसी में था, मतलब बस वो इमरजेंसी नहीं बता सकते, लेकिन हाँ मुझे वहीं जाना था तो उनके यहाँ भी गई थी। तो ये ट्रेन सफ़र तो बिल्कुल जगह नहीं मिली थी, तो ये बिल्कुल खड़े मतलब बैठे थे वहीं ट्रेन के पास, जो नहीं होता दरवाज़ा, वहाँ बैठे थे। बहुत प्यारा व्यू आ रहा था, एकदम हरा हरा, बहुत मतलब अब बारिश शुरू हो गई है ना, तो ऐसा लग रहा है। तो गाइस हम लोग चल रहे हैं गंगा जी। तो गंगा जी मतलब आपको दिखाएं, वो लाल गेट दिख रहा है, वो दीदी का घर है। और ये दीदी है, दीदी की दो नंदे हैं और दीदी की जिठानी है, चल रही हैं। और यहाँ मैं चल रही हूँ और दोपहर के बज रहे हैं, शायद 3:30 बज रहा है। और ये ना भुट्टे लगे हैं, भुट्टे भुट्टे का पूरा मतलब खेत जो है, ये आप देख रहे हैं भुट्टे का खेत है। भुट्टा पक गया, सब टूट भी गया, थोड़े बहुत लगे भी हैं, अभी आपको दिखाएंगे, ठीक है। और जब भुट्टा टूट जाता है, पक जाता है, तो मतलब जिनका खेत होता है ना, वो अपने उसमें आग जला देते हैं। अभी दिखाते हैं आपको, एक मिनट रुकिए। ये हमारा भतीजा है, भांजा है, इसका नाम है अनमोल। क्या अनमोल नाम है ना? अनमोल। तो यहाँ देखिए मतलब तोड़ रहे हैं सब पेड़ है, और इसको आग लगा दी जाएगी, जला दिया जाएगा शायद। तो अब तो आपको भुट्टे दिखाते हैं, देखिए भुट्टे लगाए, ये देखिए कितने सारे भुट्टे लगे, देखिए कितने भुट्टे हो रहे हैं। मतलब भुट्टे जो है सब टूट रहे हैं, अब भुट्टे आपको देख रहे हो कितने सारे भुट्टे लगे हुए, बहुत सारे भुट्टे। चलना है डंडा लेके, इधर देखो, हाँ तो कद्दू, हाँ ये भुट्टे लगे हैं, ये हमें लगा छोड़ दिए गए ना, पक गए हैं, ये खेत जला दिया जाएगा। अभी जला हुआ आपको खेत दिखाएंगे कैसे जल जाता है, सब जला दे, सूख गया, सब भुट्टे का खेत है ये। अब जब इसका मतलब सीजन खत्म हो गया, इसमें कुछ और लगाया जाएगा नहीं, तो देखिए जैसे ये देखिए जला दिए गए, ये देखिए आपको दिख रहा है ना खेत जले हुए, तो ये ना जला दिए जाते हैं, खाद हो जाती है, खाद हो जाती है। हाँ तो मतलब ये राखी जो है ना, तो वैसे भी धरती के लिए फायदेमंद होती है, मतलब जमीन में राख डाली जाती है, तो ऐसे भी भुट्टे जला दी मतलब जला दिए गए, ये सब टूट चुके हैं, ठीक है। घर से 1 किलोमीटर हम हैं, गांव के छोरा ये जा रहे हैं, ये गांव के छोरा डंडा वंडा लेके, ये इसकी डंडी तोड़ ली इनने, ये बकरी हका रहे हैं अपन, ये देखिए बकरी, इतनी सारी बकरियाँ हैं इनकी भैया, देखो कितने भाई से ना भिंडी, ये भिंडी खेत लेकिन खत्म हो गए ना लग रहा, हाँ मोटी मोटी लगी, हाँ लगी छोटी छोटी लगी, हाँ लगी लगी। ये देखिए तरोई का खेत है और ये लगी है तरोइयाँ, ये देखिए आपको दिख रही है, ये देखिए पूरा तरोई का खेत है, ये देखिए कितनी लटक रही है। अरे वाह, ये देखिए आम का पेड़ है, मामा तोड़ो, ये आम है, मामा तोड़ो, छोटा पेड़ है ना, मैं क्या करूं बेटा, छोटा है, यही वाली अमिया लगी थी, सब हम लोग अमिया लाए थे रोड से तोड़े हैं, यही वाला तोड़ के लाए थे नहीं, कहाँ जा रहे हैं ना, फेंक लिया। और ये दीदी की बिटिया है पूर्वी, यहाँ बोलो, और 3 बच्चे हैं दीदी के, सबसे बड़ी बिटिया है, एक अनमोल है और एक का क्या ना अभी, वो जो मेरे साथ अभी देखा था छोटा, वो जो नीली है ना वो बड़ा है, ये सबसे बड़ी बिटिया है। और दीदी जो है ना ये गुलाबी कलर की, ये मेरी नंद है, इनका नाम है सोनी दीदी, तो 6 नंबर की हैं शायद, मुझे नहीं मालूम, कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ शायद 6 नंबर की दीदी है। वैसे आपको बता दें 9 नंदे हैं मेरी, 9
नौ में से छह नंबर की दीदी है शायद, छह क्या सातवें नंबर की है शायद, है ना, है ना। लेकिन थोड़ा बहुत गाँव जो है ना बड़ा अच्छा लग रहा है, खुला खुला सा, बहुत प्यारा सा व्यू है जैसे आप देख सकते हैं। देखिए कितना प्यारा व्यू है, और चेक करिए मौसम, मौसम भी मतलब धूप नहीं है, बदली है, हवा बहुत प्यारी चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस आप जो देख रहे हैं ये जो मकई है ना, तो ये यही भुट्टा है मतलब, और यही सुखा के इसको मतलब नहीं बेचा जाता, पॉपकॉर्न वगैरह जहाँ जैसे भी। तो ये पूरी है ना गाँव लोग जैसे मकई है ये सब सुखा दी गई है, काम चल रहा है बढ़िया। ये इतनी बड़ी पाइप है ना, इसमें जो पानी जा रहा है ट्यूबवेल वाला पानी होता है जो, वही पानी, ये इतनी मोटी सी, हाँ ये देखिए इसके अंदर से खेत में लगाया जाएगा, प्लास्टिक की बनी हुई। तो ये क्या लगा हुआ, कुछ लगा है खेत, हम लोग को आए हुए मतलब हो गया आधा घंटा एक घंटा हो चुका है, और बता दें आते ही तुरंत तो नहीं बनाया, आने के बाद हम लोग ने चाय नाश्ता खाना पीना करने के बाद क्या किया, तो ये करेंगे गंगा जी पास में, चलो सब लोग गंगा जी, यहाँ पर गर्मी बहुत है थोड़ा अच्छा लगेगा इसीलिए गंगा जी जा रहे हैं। तो घर भी आपको पूरा व्यू दिखाएंगे, अभी घर का तो मैंने दिखाया नहीं, दिखाएंगे आपको, ठीक है। अभी नया प्लाट लिया दीदी ने, 3 महीने हुए इस घर में आए हुए, थोड़ा बहुत बन गया, थोड़ा बहुत बनना बाकी है, दिखाएंगे अभी घर पे आपको, ठीक है। पहले गंगा जी चलते हैं। देखिए गांव में आपने मतलब ऐसा घर, गांव में कच्चा कच्चा घर, मिट्टी का, देखिए मिट्टी का घर बना हुआ है, देखिए गांव में देखने मिलेगा, अब तो ऐसा घर मिलेगा नहीं, मैंने तो पहली बार देखा है, अभी टूट भी रहा है ये शायद। मंडी से 20 रुपया में ले आए मिर्ची, ये दीदी है, ये दीदी है, भाई साहब ये देखिए मतलब गांव में ये सब चीजें देखने को मिलेगी। अब तो गांव में भी घर पक्के हो गए, लेकिन थोड़ा थोड़ा कच्चा जाए ना, एक अच्छा सा व्यू आता है ना, प्यारा सा लगता है, देसी चीज तो देसी है, और मुझे तो बहुत पसंद है इस टाइप का, मुझे बहुत पसंद है, बिल्कुल मिट्टी का बना हुआ। और यहाँ पर तलैया भरी है, तलैया ना हो गए, ना हो गए ना ले सी गंगा जी आ गई ना हो गए। तो भैया थकावट हो गई, पूरा गांव से ऐसे साइड साइड से सब निकल रहा है, और एक किलोमीटर दूर है, और ये देखिए ट्रैक्टर भी चले आ रहे भैया, चलो चलते हैं। देखिए मिट्टी का घर है, ऐसा घर मुझे अच्छा लग रहा है ना, बस बारिश में ही दिक्कत होती है, घर कितना बढ़िया। देखिए ये देखिए ये है कल्लो अपनी, ये शिवानी कुमारी घर, यहाँ से कितनी दूर है बाबू, मतलब मिलता जुलता 30-40 किलोमीटर दूर है यहाँ से। क्या ये क्या है, अरोल मतलब ये जो ये, हाँ ये अरोल है, ये इसके ही आगे 30-40 किलोमीटर दूर है। तो शिवानी घर भी इसी टाइम में मैंने देखा है गांव, तो देखिए गांव है तो मतलब मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मस्त कुछ मिला, मुझे तो पसंद है भाई गांव की लाइफ, मुझे पसंद है। इतनी भारी भारी खो बनी, यहाँ सांप सांप तो बहुत बड़े बड़े होंगे, जंगल जैसा, देखिए कितना जंगल जैसा, कितना बड़ा सा मिट्टी का टिल्ला, इसमें इतनी बड़ी बड़ी खो है, क्या बताएं भैया। थोड़ा सा गांव तो सही है, लेकिन सांप आप भी बहुत होते होंगे, देखिए। तो गंगा जी आ चुके हैं हम लोग, गंगा जी वो दिख रही हैं, थोड़ा दूर पे चलते हैं, वो दिख रहे हैं। फिलहाल बहुत खुला खुला एरिया है, मतलब बहुत ज़्यादा जैसे शहरों में ना भीड़ भाड़ वाली जगह से हरा भरा है, बहुत मतलब सुकून भी है, अच्छा भी लग रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा। ये देखिए थकावट भी हो गई, हमें लगता 2 किलोमीटर दूर होगा मेरे हिसाब से। बस आपको एक चीज़ दिखाएं, देखिए ये पेड़ है ना, काहे का पेड़ है ये, बरगद का, और इसमें इतने सारे चिंगादड़ हैं, इतने सारे काले काले, आपको देख थोड़ा सा दिखाता है, सब बहुत बड़े बड़े चिंगादड़ हैं, पूरा पेड़ चिंगादड़ से भरा है मेरे समझ से, और ये सब लटक रहे हैं ऐसे ऐसे, सर पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। और ये गंगा जी पहुँच गए, चलिए गंगा जी दिखाते हैं। ये देखिए कैसा पेड़, इतना पुराना बरगद है, और इसमें ये देखिए, ये देखो
मंदिर भी है, इसके ऊपर भी चलेंगे, मंदिर भी आपको दिखाएंगे। कितना पुराना पेड़ है और कितनी जड़ें देखें, आप देख सकते हैं ये देखें। इसमें बहुत सारे चिंगादड़ भी हैं, लेकिन ऊपर में आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े जैसे कौए होते हैं ना, कौए जैसा। एक दिखाते हैं, देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, वो देखिए, वो दिख रहा है, ये मेरी ऊपरी तरफ देखिए, ये देखिए चिंगादड़ लटका है, ये थोड़ा नीचे है ना, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ऊपर बहुत सारे चिंगादड़ है, बहुत सारे चिंगादड़ है, सारे पेड़ों में लटके हुए। अरे बउआ तुम नंगे, मम्मी बिक जाएंगे। हाँ बैठियो तो दोस्तों ये हम लोग जब आ गए ना, तो स्टार्टिंग में जाते ही तो हम लोग गंगा जी वगैरह नहाने चले गए थे। और ये बना है घर, मतलब दीदी का अभी न्यू बना, 2-3 महीने हुए हैं। और ये बगल में दीदी की, जो दीदी से छोटी जो जेठानी है, मतलब देवरानी है, उनका घर है। मतलब 3 देवरानी जेठानी है, जो एक बड़ी है, दीदी बीच में। तो सबका घर एक जैसा बना है, 100 गज में सबका, 100-150 गज में सबका बना हुआ है, और सबका एक जैसा बिल्कुल। तो ये दोनों का घर का जो दरवाज़ा है एकदम आमने, मतलब बगल बगल में सामने से है। और ये दीदी के ससुर जी हैं, दीदी जी के मतलब अंदर एंटर करते ही कमरा पहले पड़ता है। और आपको बता दें, सुबह मैं बना रही थी रात में, और सुबह पीयूष उठ के पतंग कह रहा, पतंग का ये मंजा बांध दो, दीदी से कह रहा, अपनी बुआ से कह रहा मतलब। तो हम लोग नहाना धोना हो गया था, मेरा भी नहाना धोना हो गया था, और ये दीदी मंजा बांध रही थी, और यहाँ पर चाय की तैयारी हो रही है, यहाँ दूध खौलाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बता दें 3 कमरे हैं, मतलब बड़े बड़े से 3 कमरे, बीच में हॉल है। सबसे पहले शुरुआत में ये पूजा का कमरा है, और एक कमरा और है, एक जो है दीदी के ससुर मतलब पापा जी का, वो पहले ही पड़ जाता है शुरुआत में, मतलब अभी प्रस्तर नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन बहुत सुकून भरा है, बिल्कुल घर के सामने एकदम बढ़िया सा, मतलब वो है क्या बोलते हैं, खेत। और मंदिर भी बहुत प्यारा है, पूजा वूजा हम दोनों ने पूजा करी, दीदी ने, हमने, दीदी ने रात में राजमा चावल बनाया था, राजमा चावल रोटी। और अभी नाश्ते में, क्योंकि हम लोग को निकलना भी था, करीब 9 बजे की ट्रेन थी हम लोगों की वापसी में, तो मतलब जो आपने देखा था ना, तो वो हम लोग 4-5 बजे गंगा जी वगैरह गए थे। तो ये ना सुबह मॉर्निंग का है, तो सुबह दीदी बोली कि चलो आलू के पराठे बना देते, तो आलू वगैरह उबाल रही थी, तो हमने ठीक है। तो ये दो बगल साथ ही में कमरे हैं, और ये आपने देखा था किचन था, ये लैट्रिन बाथरूम है। हाँ, और ये ऊपर के लिए सीढ़ी, चलिए ऊपर का व्यू दिखा देते हैं आपको। तो छत पे ही सब लोग सोए थे, ऊपर छत पे पंखा लगा था, और दीदी जिया, मतलब दीदी जिया जी और उनके बच्चे, और मतलब भांजे भतीजे, दो भतीजे हैं, भांजी है, दो भांजे हैं, एक भांजी है, मतलब 3 बच्चे हैं। तो ये सब लोग सो रहे हैं इधर, आयुष पीयूष के पापा भी इसी में सो रहे हैं, और पीयूष उठ गया यहाँ सुबह ही, सब 5-4 बजे उठ जाते हैं। और आप ये देख सकते हैं ना कितना अच्छा लग रहा है, एकदम बढ़िया सा। और अभी ना यहाँ पर अब ये सब कटाई होगी, क्योंकि भुट्टे लगे थे, अब यहाँ धान की बुआई होगी, जब हम चले जाएंगे तब होगी। और ये देखिए, ये ना बगल में दीदी की जो देवरानी है उनका घर है, बस ऊपर से जो है इसमें लिंटर पड़ना, बाकी तो ये ऐसे ढांचा खड़ा कर दिया, अभी वो नहीं रहती हैं, जब रहेंगी तब। और ये बगल से ही जो दीदी की बड़ी हैं, दीदी से बड़ी जेठानी,
उनका बगल से ही घर गया, लेकिन उनके मतलब ये छत दिख रही है ना, इससे छत जुड़ी हुई है पीछे, ये आप देख सकते हैं यहाँ नीला नीला फैला हुआ, ये उनका घर है जिठानी का, और उनका गेट जो है पीछे की तरफ है। तो खेत में ही घर मतलब ज़मीन ली थी, और घर बहुत अभी ये सारे घर ना अभी निर्माण हुआ, मतलब अभी बनाया, ये सारा खेत था पूरा सब नया नया लेके बनाया है, क्योंकि अभी सबका बना है, साल भर के अंदर, साल दो साल के अंदर सारे घर अभी बने। और यहाँ हम लोगों ने गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाना शुरू कर दिए, तो यहाँ चाय भी बन गई है, और चाय छान के एक ही में कर दिया, यहाँ पर मैं बना रही हूँ मतलब बेल रही हूँ, और यहाँ जीजा जी चाय पी रहे हैं, वो अपने काम के लिए जा रहे हैं तैयार होकर, और यहाँ पापा जी को मतलब सबसे पहले नाश्ता आलू के पराठे, और यहाँ पर चाय दे दिया गया, तो यहाँ मैं बना रही हूँ पराठे मतलब। और वैसे भी मैं कहीं भी जाती हूँ तो मतलब ऐसे बैठती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है खुद पे, और वैसे भी कोई भी कहीं जाता ना तो पूरा तो इंसान करता ही है, वो अपने घर में करते हैं, और तो हम लोग यहाँ तरोई तोड़ रहे हैं दोस्तों, देखिए, और ये अमिया तोड़ रहे हैं अमिया, ये देखिए, तो थोड़ी सी मस्ती चल रही है, और सुबह सुबह चले आए हम लोग, अब गांव में आए तो थोड़ा तो चाहिए, मैंने छोटे छोटे से ये तोड़े, अभी इससे बड़े बड़े में पक गए ना, अभी बहुत सारे भुट्टे ये लोग तोड़ के दे दिए हैं, लेके जाएंगे घर, आप लोग को दिखाएंगे, भुट्टे भी ले गए, ये मैंने छोटे छोटे लिया है, ये देखिए पतली तरोई, बढ़िया तरोई, थोड़ी तरोई तोड़ लेंगे, भिंडी भी लगी है, तरोई अरोई भी है, देखते हैं जो तोड़ पाएंगे तोड़ लेंगे, मना नहीं करते कि गाँव में ऐसा मतलब है ना, थोड़ा बहुत ले सकते हैं। अब ये देखिए अमिया आप सब्जियाँ लोग तोड़ रहे हैं, बाज़ार से नहीं लेनी पड़ती गांव में, ये बढ़िया है, ताज़ी ताज़ी ले लो, थोड़ा बहुत तो बनाने के लिए मिल जाती है, मतलब यहाँ पे जान पहचान भी है तो मना नहीं करता कोई। ये देखिए मुझे तोड़ रहा सब, देखिए सब लोग कैसे काम कर रहे हैं, सुबह सुबह गांव में काम शुरू हो जाता है, और वो पता नहीं कौन सी गाड़ी कटाई चल रही है, देखिए घास फूस नहीं मोटी धल्लो चाहिए डंडा ना लगा ये लोग ऊपर से अमिया गिरा रहे हैं, ये लोग बटोर रहे हैं सब, देखें ये भी मोटी बिटिया, चलो निकाल लेना भैया, इतनी अमिया अमिया ही अमिया भुट्टा लिए कहाँ रहते हो, शिवानी कुमारी कहाँ रहती है जानते नहीं, नहीं जानते शिवानी कुमारी, अच्छा यूट्यूब पे जो वीडियो वीडियो बनाती, जो वीडियो बनाती बिग बॉस में गई, जानते हो, नहीं जानते, जानते हैं ना, हाँ यहाँ से दूर है बहुत, हम लोग यूट्यूबर हैं। तो गाइस फिर से हम लोग नाश्ता पानी करके गाँव वाँव घूमने गए थे, गाँव घूमने के बाद टाइम हो गया हम लोगों की ट्रेन का, तो ट्रेन के लिए आ गए थे स्टेशन, और स्टेशन आई थी दीदी छोड़ने, तो ये स्टेशन है दीदी के घर से 1 से 1.5 किलोमीटर मतलब पैदल आ सकते हैं इतने पास में, पहले यहीं पर स्टेशन के पास ही घर में था, घर यहीं था, तो ये अरोल मक्कनपुर स्टेशन है लास्ट स्टेशन नहीं मतलब दीदी का इधर ही स्टेशन, अगर आते हैं तो इधर ही, और ये दीदी बैठी हैं, और हम ये आप साड़ी पे देख रहे हैं दीदी हैं, तो हम लोग पैर छूते, तो गाइस हम लोग घर आ चुके हैं, तो गाँव से देखे थोड़ी तरोई तोड़ के लाए, और ये अमिया 1.5 किलो अमिया साइज तोड़ के लाए, और वीडियो भी हो यहीं पे ख़त्म करेंगे, वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो हमारी दीदी के यहाँ का तो ज़रूर बताइएगा, और लाइक ज़रूर करिएगा, और क्या शेयर करिएगा, छोटा सा प्यारा कमेंट करिएगा, न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मुझे सपोर्ट करने के लिए, और जितने लोग वीडियो देखते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं उनको दिल से तहे दिल से थैंक यू, सबको भगवान खूब सारी खुशियाँ दें, और ऐसी सारी मतलब क्या कहते हैं वहाँ से तरोई हैं, दीदी ने चिप्स पापड़ भी बनाए थे, तो उन्होंने पापड़ चिप्स भी हम लोगों को बांधे, वो मैं दिखा नहीं पाई लेकिन मैं बता रही हूँ, और यहाँ पर ये देखिए भुट्टे दिए थे, इसको अड़ियाँ भी बोलते हैं, अड़िया ना शायद बोलते हैं, तो जाते जाते खुद का ख्याल रखिए, मम्मी पापा ख्याल रखिए, जिनसे प्यार करते हैं उनका ख्याल रखिए, ओके फैमिली लव यू बाय बाय।